आप सभी चंद्रयान को लेकर जो हुआ उससे भलीभांति परिचित होंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें एक बाधा आ गई। इस मिशन के लिए वैज्ञानिक काफी समय से मेहनत कर रहे थे। भाई और बहनों, कल रात और आज सुबह मैं उनके बीच था। वो भावुक थे, लेकिन साथ साथ ही बुलंद हौसले से भरे हुए थे कि अब और तेजी से काम करना है। जो हुआ उससे सबक लेकर, सीख करके आगे बढ़ना है। इसरो जैसी प्रतिबद्धता के साथ ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सकता है। साथियों, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही लगनशील लोगों की प्रतिबद्धता के चलते देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देना, ऐसे अनेक काम समय से पहले पूरे हो चुके हैं। अब बहुत जल्द पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि 2022 में जब हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे, तब के लिए हमने जो संकल्प हमने लिए हैं वो संकल्प जरूर पूरे होंगे। भाई और बहनों, 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लक्ष्य की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक देश के गांवों और शहरों में लगभग 1,80,00,000 घर बन चुके हैं। लाभार्थी उसमें रहने के लिए चले गए हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि गरीबों के घर की योजना तो पहले भी चलती थी, फंड पहले भी थे, लेकिन आपने इसमें अलग क्या किया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें इस बात को समझते थे कि हमें हाउस नहीं बल्कि होम्स का निर्माण करना है। 4 दीवारी से घिरे मकान नहीं, आपके सपनों का घर बनाना है। हम ऐसे घर बनाना चाहते थे जहां सभी सुविधाएं भी मौजूद हो, यानी घर के नाम पर 4 दीवारें खड़ी करने के तौर तरीकों से अलग हमें कुछ बेहतर करने की जरूरत थी। हमारी कोशिश कम से कम समय में बगैर किसी ज्यादा लागत के अधिक से अधिक सुविधाएं देना, यह हमारा इरादा था। साथियों, हमारी सरकार ने जो घर बनवाए उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं अपनाया कि जो कागज पर ढाल दिया वैसे ही घर पूरे देश में बनने चाहिए। जी नहीं, बल्कि इसके विपरीत हमने घरों के निर्माण में स्थानीय लोगों की जरूरतों और वहां के लोगों की इच्छा को भी केंद्र में रखा। उसी को ध्यान में रखते हुए मकान बनाने की योजना बनाई। घर में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हमने विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया ताकि उन घरों में बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय और ऐसी तमाम सुविधाएं भी साथ के साथ मिल सके। ये घर लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बन सके, इसके लिए हमने आप लोगों की जरूरतों को सुना। इसके बाद
ना सिर्फ घर का एरिया बढ़ाया गया बल्कि निर्माण राशि में भी बढ़ोतरी की गई। हमने इस प्रक्रिया में स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों को भी शामिल किया, जैसी अनेक महिलाएं भी आज अगर झारखंड जाएंगे तो रानी मिस्त्री शब्द सुनाई देगा आपको। बिना किसी अतिरिक्त लागत के कम से कम समय में घरों की डिलीवरी हो, इस पर भी हमने फोकस किया। इसके लिए टेक्नोलॉजी को एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाया गया।